वेलकम टू करंट क्रंच तो स्टार्ट करते हैं पार्ट टू ऑफ पीआईबी वीकली एनालिसिस फॉर द मंथ ऑफ जुलाई तो पहला टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो है स्वामी फंड तो इस फंड को फुल फॉर्म क्या है स्पेशल विंडो फॉर एफोर्डेबल एंड मिडिल इनकम हाउसिंग फंड ठीक है अब ये फंड को इस्टेब्लिश किया गया है दैट मीन किसी चीज को पैसों की जरूरत होगी तभी एक फंड लाया होगा वो कौन सी चीज है वो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स जो स्टॉल हो गए थे दैट मींस रुक गए थे ड्यू टू तो लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज ठीक है लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से पैसों की कमी की वजह से जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स रुक गए थे उनके लिए स्वामी फंड लेके आए अब वो कौन से रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स थे क्या वो सभी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स थे नहीं तो वो वो वाले रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स थे जो रजिस्टर्ड है अंडर रीरा रीरा आपका रियल एस्टेट रेगुलेटिंग अथॉरिटी है गवर्नमेंट बॉडी है जो क्या करती है ओवरसी सी एंड रेगुलेट करती है रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को तो जो भी प्रोजेक्ट्स इसके अंडर रजिस्टर्ड थे और लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज की वजह से स्टॉल हो गए उनको दोबारा स्टार्ट करने के लिए स्वामी फंड लेके आए ठीक है अब इस फंड में कोई पैसे डालेगा वो पैसे कौन लोग सिर्फ डाल सकते हैं जो हमारे कैटेगरी टू ए आई एफ है कैटेगरी टू ए आई एफ ऑल्टर इन्वेस्टमेंट फंड ठीक है कैटेगरी टू ए आई एफ में कौन इन्वेस्ट करता है इसमें वो लोग इन्वेस्ट करते हैं जिनका नेटवर्थ काफी ज्यादा होता है इसमें हर कोई इन्वेस्ट नहीं कर सकता है और ये आपके वो ट्रेडिशनल बॉन्ड वगैरह नहीं आते हैं इसमें इन्वेस्ट करते हैं लोग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में रियल एस्टेट प्राइवेट इक्विटी वगैरह में ठीक है तो ये आपके इन्वेस्टर्स हो गए और इस सबको इन्वेस्टमेंट बैंक जो मैनेज करता है वो है आपका एस बी आई कैप एस बी आई कैपिटल मार्केट लिमिटेड ठीक है जो सब्सिडरी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का तो देखते हैं अब लिखा क्या है स्वामी फंड इज अ गवर्नमेंट बैक फंड वॉज स्टैब्लिश इन टू थाउजेंड नाइन एज अ कैटेगरी सेकेंड एआईएफ डेट फंड रजिस्टर्ड विद सेबी ठीक है स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड जो है हुआ था टू कम्पलीट दी डेवलपमेंट ऑफ स्टॉल्ड रीरा रजिस्टर्ड एफोर्डेबल एंड मिडिल इनकम हाउसिंग प्रोजेक्ट दैट हैड बीन स्टॉल्ड ऑफ कैप वेंचर्स जो है होली ओन सब्सिडरी ऑफ एस बी आई कैपिटल मार्केट होली ओन सब्सिडरी ऑफ एस बी आई इसका इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर है वो कौन सा एसबीआई कैप और फंड को स्पॉन्सर करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ठीक है तो ये फंड किसके लिए लेके आए थे स्टार्ट करने के लिए प्रोजेक्ट जो स्टॉल हो गए हैं कौन से प्रोजेक्ट रीरा प्रोजेक्ट उसके लिए कौन इन्वेस्ट करेगा कैटेगरी टू ए आई एफ वाले ठीक है और इन्वेस्टमेंट बैंक कौन सा इसको मैनेज कर रहा है क्या? तो जो मैंने आपको यहाँ समझा है वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है अब देखो, को कुछ रिपोर्ट्स वगैरह अपनी फाइल करनी होती थी अब क्या हुआ है ये सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया गया है एक वेब पोर्टल बनाया है जिसपे ऑनलाइन जो रिपोर्ट से अपनी फाइल करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज विल नाउ बी एबल टू फाइल देयर फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑनलाइन टू द इलेक्शन कमीशन The measure has been enabled has been enabled with the launch of a new web portal to facilitate the online filing of कौन कौन सी report contribution report audited annual account and इलेक्शन एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट बाई द पोलिटिकल पार्टीज तो ये सारी रिपोर्ट जो उनको ई सी आई के सामने फाइल करनी होती थी इलेक्शन कमीशन के सामने वो भी ऑनलाइन करेंगे जब हम किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस की किसी भी चीज को ऑनलाइन करते हैं दैट मीन्स हम उनकी अकाउंटेबिलिटी उसमें ट्रांसपेरेंसी ये लेके आते हैं ठीक है तो हमारा इससे अल्टीमेटली सिस्टम क्या हो जाता है ज्यादा एफिशिएंट और ये हमारे ई e गवर्नेंस का पार्ट भी है ठीक ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज टू ईसीआई सीई ऑफ स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज ये किस एक्ट के अंडर आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट नाइनटीन एंड ट्रांसपेरेंसी गाइडलाइंस इश्यूड बाई कमीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम ठीक है आगे देखते हैं मेड इन एम्बाकेशन ऑफ साइंटिस्ट ऑन बोर्ड इंडिया रिसर्च वेसल सागर निधि कॉम्बो सिक्योरिटी कंट्री ठीक है तो अगर आप मैं कुछ सिंपल टर्म्स में बताऊं इंडिया का रिसर्च व्हीकल है सागर निधि ये क्या करने वाला है सागर निधि ये इंडियन ओशन के चक्कर काटेगा ठीक है वो इसको कंप्लीट चक्कर करने हैं थर्टी फाइव डेज में अब ये ये तो निकलेगा चक्कर काटने के लिए अब इसमें बैठेगा कौन इसमें जाएंगे साइंटिस्ट कहा के बांग्लादेश के एंड मॉरिशस के ठीक है सागर निधि थर्टी फाइव डेज इंडियन ओशन चक्कर काटेगा का, और उसमें बैठेगा कौन साइंटिस्ट बांग्लादेश के एंड मॉरिशस के अभी आ, कोई एक फ्रेमवर्क के अंडर होगा ना ऐसा तो नहीं है एक दिन साइंटिस्ट उठ के आए बांग्लादेश और मॉरिशस के चलो हमें इंडियन ओशन के चक्कर कटवाओ इंडिया के रिसर्च वेसल में नहीं ऐसा नहीं होगा ना तो ये फ्रेमवर्क कौन देख रहा है किस फ्रेमवर्क के अंडर ये हो रहा है कोलंबो सिक्योरिटी कंक्लेव जो बेसिकली आपका एक रीजनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके मेंबर्स हैं मालदीव श्रीलंका इंडिया ठीक है तो उसके फ्रेमवर्क के अंडर ये हो रहा है अभी इन लैंडमार्क इवेंट कंसर्निंग मेरी टाइम अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ सीएससी बिटवीन द नेशन ऑफ इंडियन ओशन रीजन साइंटिस्ट फ्रॉम बांग्लादेश एंड मॉरिशियस एम्बार्ड ऑन बोर्ड इंडियाज रिसर्च वेसल सागर निधि ऑन ट्वेंटी नाइन्थ जून टू पार्टिसिपेट इन द ज्वाइंट ओशन एक्सपेडिशन स्पेनिंग नेरली थर्टी फाइव डेज ठीक है जो क्रूज है ये कौन कंडक्ट करेगा इंडियन नेशन सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ठीक है ये पॉइंट प्री के लिए इंपॉर्टेंट होगा तो याद रख लेना ये आउटकम है अभी क्यों कर रहे हैं ठीक है थीके? ये एक सी एस सी ओशनोग्राफर्स एंड हाइड्रोग्राफर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी गोवा एंड हैदराबाद में नवंबर 2022 में तो इसी का पार्ट है ये एक्सपेडिशन जो अंडरटेक करना ड्यूरिंग द scientists साइंटिस्ट विल undertake रिसर्च ऑन ocean डेटा टू predict एंड मैनेज चेंजेस इन मरीन environment एंड variation इन ocean पैरामीटर्स ठीक है अब ये चक्कर काट रहे हैं तो ऐसा घूमने के लिए तो नहीं काटेंगे ना आउट ऑफ हॉबी बोर हो रहे हैं चलो इंडियन ओशन के चक्कर काट के है? नहीं तो किसी काम से जाएंगे इनको मरीन एनवायरमेंट जो है उसका डेटा देखना है उसमें क्या चेंजेस हो रही है और वेरिएशन इन ओशन पैरामीटर्स जैसे आपका टेम्परेचर हो गया ठीक है या उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन है या पीएच वैल्यू है तो इन सब पैरामीटर्स में ऐसे ऐसे पैरामीटर्स में क्या क्या वेरिएशन हो रही है ओशन में और मेरी एनवायरमेंट में क्या चेंजेस आ रही है नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं ई सरस ठीक है e तो इसमें क्या है आपका दीनदयाल अंत्योदना योजना एनआरएलएम इसने लॉन्च किया है अब नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के द्वारा लॉन्च की गई है एक मोबाइल ऐप ई सरस इस मोबाइल में क्या होगा दरअसल ई e कॉमर्स इनिशिएटिव है अब कौन सी चीजें इसमें प्रोडक्ट्स कौन से होंगे वो प्रोडक्ट्स जो बनाए होंगे विमेन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ठीक है तो उनकी मार्केटिंग होगी सोचो आप विमेन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं उनके लिए एक एमेजोन टाइप ऐप लॉन्च की गई है ई कॉमर्स इनिशिएटिव लेके उस एप का नाम है ई सरस ठीक है तो किसने इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है इन्होंने इनोग्रेट किया ऐप के साथ एक फुलफिलमेंट सेंटर भी जो क्या करेगा अब देखो प्रोडक्ट्स तो बनाए सेल्फ हेल्प ग्रुप ने अब उन प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करना है उनकी मार्केटिंग पैकेजिंग सब सब चीज चीज का ध्यान रखना है है के लिए क्या टर्म लॉजिस्टिक्स तो उस लॉजिस्टिक्स का ध्यान रखने के लिए एक फुलफिलमेंट सेंटर जो है वो भी साथ में इनोग्रेट किया गया है इस सरस फुलफिलमेंट सेंटर विल बी मैनेज बाई फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल वैल्यू चेन्स एंड विल बी यूज फॉर प्रोसेसिंग पैकेजिंग शिपिंग ऑफ प्रोडक्ट्स दैट कस्टमर्स परचेज थ्रू सरस पोर्टल एंड ई सरस मोबाइल एप ठीक है पहले देख लेते हैं रेजुअल होता क्या है ये देखने के लिए हमको एक एग्जाम्पल लेते हैं सपोज किसी ने अपनी एक फैक्ट्री सेटअप की है ठीक है कहीं पे और उसने क्या कहा है की वे टाइम वो जो कार्बन एमिशन वहां से निकलेगा उसको एलिमिनेट कर देगा कंप्लीटली लेकिन विद टाइम क्या होता है जैसे जैसे उसका काम ग्रो होता है बढ़ता है वो ऑलमोस्ट एट्टी परसेंट कार्बन एलिमिनेट जो है एमिशन वो एलिमिनेट करता है लेकिन ट्वेंटी परसेंट तो बच जाता है ना क्योंकि कंप्लीटली एलिमिनेशन वो नहीं कर पाया उसके लिए पॉसिबल नहीं था तो जो ट्वेंटी परसेंट बच गया वो आपका रेजिडुअल अकाउंट है अब इसका क्या लिंक है आपके एसडीजी के साथ अगर हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो जो रेजिडुअल अकाउंट है उसको हमें मिनिमाइज करना होगा ठीक है हमारे पास जो रेजिड्यू है वो नहीं बचना चाहिए तभी हम सस्टेनेबल मैनेज कर सकते हैं या आपके एस गोल जो है क्लाइमेट एक्शन थर्टीन उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है अब देखते हैं न्यूज में क्या था द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मॉस पीस को शॉर्ट में बोलते हैं इस सेलिब्रेटिंग स्वच्छता पखवाड़ा 2023 अब ये स्वच्छता पखवाड़ा क्या है ये बेसिकली स्वच्छता के प्रोग्राम्स हैं ठीक है ये काफी पहले लॉन्च किया गया था इसके अंडर क्या होता है जो मिनिस्ट्रीज या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है वो अपने जिम्मेदारी ले लेते हैं स्वच्छता की सफाई साफ सफाई की कभी रेलवे के अंडर ही आ जाता है या सिविल एविएशन वाले करते हैं Uh, इसमें क्या होता है जो भी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होती है गवर्नमेंट ऑफिसेस उन पर रेगुलर चेक रखा जाता है तो फिर वो वीडियोस अपलोड कर जैसे आपने देखा होगा कि कई गवर्नमेंट ऑफिसेज में ये बीच में स्वच्छ भारत अभियान चलाते हैं साफ सफाई जाडू के साथ फिर वहां के जो एम्प्लॉयज है वो फोटो अपने लेते हैं फिर वो फोटो ऑनलाइन अपलोड करते हैं तो वो सारा स्वच्छता पखवाड़ा का पार्ट है तो इसी स्वच्छता पखवाड़ा ट्वेंटी को सेलिब्रेट कर रहे हैं ड्यूरिंग द फोर्ट नाइट फर्स्ट टू फिफ्टीन जुलाई ऑर्गेनाइजिंग अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज वहां पे हो रही है ठीक है तो उस सेलिब्रेशन के पार्ट में जो सोशल स्टैटिस्टिक डिविजन ऑफ एनएसओ है मॉस्पी उसने ऑर्गेनाइज किया है वन डे सेमिनार थर्ड जुलाई को ऑन रेजुअल अकाउंट एंड इट्स लिंकेजेस विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एट द इंटरनेशनल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली ठीक है जो स्वच्छता पखवाड़ा प्रोग्राम हो रहा है फर्स्ट टू फिफ्टीन जुलाई उसी प्रोग्राम में एक दिन जो है वो रखा है रेजिडल अकाउंट्स एंड इट्स लिंकेजेस विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए एक वन डे सेमिनार रखा देखो जो सेमिनार है ये हाईलाइट करता है फैक्ट दैट वेस्ट मैनेजमेंट जो है ये एक काफी इंपॉर्टेंट इशू है और ये इम्पैक्ट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को किन किन एरियाज में खासकर इकोलॉजी इकोनॉमी सोसाइटी इनकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करता है वेस्ट मैनेजमेंट इसीलिए हमें वेस्ट मैनेजमेंट पे काफी ध्यान देना चाहिए अब जो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए डेटा की जरूरत पड़ती है वो हमें कौन प्रोवाइड करता है सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग एस ई ए और जो आपका रेजिडुअल अकाउंट जो मैंने आपको अभी बताया था क्या होता है वो इसी के फ्रेमवर्क के अंडर आता है ठीक है फॉर एडुकेट वेस्ट मैनेजमेंट अप्रोप्रेट डेटा इज नीडेड एंड एस ये सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटलॉमिक अकाउंटिंग ये इंटरनेशनली रिकोगनाइज फ्रेमवर्क है फॉर द कम्पाइलेशन ऑफ एनवायरमेंट अकाउंट जिससे हमें पता चलता है एडुकेट डेटा फॉर वेस्ट मैनेजमेंट एनवायरमेंट अकाउंट ऑफ विच रेजलवर्क के अंडर आता है विद ग्लोबल कमिटमेंट टू द ट्वेंटी थर्टी एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूज ऑफ एसई ए इन दसेसमेंट ऑफ नेचरल रिसोर्सेज हैज इनक्रीज मेनी फोर्स ठीक है uh, इसका जो यूज है वो इंक्रीज हो गया है और जो रिजनल अकाउंट है ये पार्ट ऑफ मटीरियल फ्लो अकाउंट है देखो मटीरियल फ्लो बेसिकली क्या करता है ये हेल्प करता है ट्रैक करने में कंजम्पशन प्रोडक्शन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और वेस्ट जनरेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल ठीक है इन सब चीजों में हेल्प करता है तो इन छोटी बेसिकली हमें क्या बताता है जो भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता है एसोसिएटेड विद वेरियस एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज और जो रिसोर्स यूज हम कैसे करते हैं उसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है टेल फ्लो अकाउंट से ये अडेयर करता है टू द एस फ्रेमवर्क जो मैंने अभी कहा था इस ऑल्सो क्लोजली असाइंड विद एसडीजीज जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उनके टारगेट्स है दीज अकाउंट प्रोवाइड अ कंसिस्टेंट मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क दट प्रड्यूस एक्शनेबल इंडिकेटर्स प्रोड्यूस एक्शनेबल इंडिकेटर्स ऑन रेजिटल्स विच कैन ऑल्सो बी यूज टू इन्फॉर्म अ वाइड रेंज ऑफ पॉलिसी क्वेश्चन रिलेटेड टू क्लाइमेट इंपैक्ट एंड एप्शन स्ट्रेटजीज ठीक है तो हमारे जो ये एड्रेस uh, है ये क्वेश्चन क्लाइमेट इम्पैक्ट और एडेप्टेशन स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए हमारी पॉलिसीज को लेके एनवायरमेंटल पॉलिसीज को लेके वो सारा हमें इस फ्रेमवर्क से इस ऐसी फ्रेमवर्क से और इन रेजल अकाउंट वगैरह से पता चलता है जो मोस्टली अब ये जो ऐसी फ्रेमवर्क है मैंने आपको कहा इंटरनेशनली रिकगनाइज है तो इंडिया ने कब uh, ये जो एडॉप्ट uh, किया था ये फ्रेमवर्क 2018 में ये आपके प्री के लिए इम्पोर्टेंट न्यूज बन सकती है ये सारा जो मैं आपको बोल रही हूँ प्री और मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली मैंने पीआईबी की जो वेबसाइट है वहां से ये सारी जो न्यूज अपलोड हुई थी वहां से कॉपी करी है अब देखो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इंडिया नाडा इंडिया जो नेशनल एंटी डोपिंग जो स्पोर्ट्स पर्सन डोपिंग करते हैं दैट वो कोई ड्रग्स वगैरह लेते हैं अपनी जो एक्टिविटी है उसको एफिशिएंट बनाने के लिए वो इंक्रीज करने के लिए खुद को अपनी एफिशिएंसी को ठीक है उसके अगेंस्ट जो बॉडी है उसको एंटी डोपिंग बोलते हैं दैट उसको रोकने के लिए जो बॉडी बनी है नेशनल बॉडी वो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का नाम है उसका एन इसने साइन किया है एमओ यू सराडो के साथ सराडो आपका साउथ एशिया रीजनल एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है एमओयू साइन किया है सराडो के साथ जिसमें एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन है बांग्लादेश भूटान मालदीव नेपाल श्रीलंका की तो बेसिकली साउथ एशिया एरिया सारा उसकी ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट डोपिंग ठीक है इन दोनों के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है इंक्रीज करने के लिए रीजनल कॉपरेशन इन दी एंटी डोपिंग स्पोर्ट ठीक है अब क्या क्या ये द एमओयू में क्या क्या है द प्रोजेक्ट प्लान प्लान एंड एरियाज ऑफ कॉपरेशन क्या क्या एम करता है टू फुलफिल फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव डेवलप करना एक एंटी डोपिंग एजुकेशन और प्रिवेंशन प्रोग्राम ट्रेनिंग और अपस्किलिंग करना एंटी डोपिंग एजुकेशन ऑफिसर्स की एंड कलेक्शन पर्सन एजुकेटर्स की ऑर्गेनाइज करना कोर्सेज सेमिनार्स वर्कशॉप रिसर्च एंड एक्सचेंज स्टोर्स ऑन एंटी डोपिंग एजुकेशन एंड प्रिवेंशन ठीक है फैसिलिटेट करना एक्सचेंज ऑफ एजुकेशन ऑफिसर्स प्रोग्राम मैनेजर्स टीचर्स स्पेशलिस्ट ऑन एंटी डोपिंग एजुकेशन ताकि हम वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट अच्छे से स्प्रेड कर पाए सपोर्टिंग एंटी डोपिंग एजुकेशन एक्टिविटीज और एक्सचेंज करना सर्विस ऑफ एक्सपर्ट्स प्रोड्यूस करना एंटी डोपिंग एजुकेशन लिटरेचर तो ये काफी सिंपल से पांच छह पॉइंट्स है सिंपल लैंग्वेज में लिखा है आप इसको याद रख सकते हो इनके की वर्ड्स को अब जो सराडो है उसके बारे में थोड़ा देखते हैं क्योंकि जिक्र हुआ है पीआईबी पे तो आपके इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके प्री मेंस के लिए हुई थी मालडीव 20, में में एट साउथ एशियन एंटी डोपिंग प्रोग्राम प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मीटिंग पे स्टैब्लिश हुई थी वहां की मीटिंग में बांग्लादेश भूटान मालदीव नेपाल श्रीलंका सारे इसके मेंबर्स हैं मिशन है इसका प्रमोट करना कोऑर्डिनेट करना फाइट अगेंस्ट डोपिंग इन ऑल फॉर्म्स ऑफ साउथ एशियन मेंबर कंट्रीज अब देखो और एक न्यूज इंपॉर्टेंट न्यूज प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ग्रेसिस दी क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ वन टी फिफ्थ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अलूरी सीताराम राजू ठीक है ये न्यूज लिखी है तो इसके लिए इम्पोर्टेंट आपका क्या बनता है कि जो अलूरी सीताराम राजू है ये एक हिस्टोरिकल फिगर थे तो इनके बारे में पढ़ना हमारा काम है मतलब वो बनता ही है तो अलूरी सीताराम राजू जो है ये एक इंडियन रेवोल्यूशनरी थे जिन्होंने आर्म रिवॉल्ट किया था अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल कंट्रोल इन इंडिया और लोकल उनको तो जंगल हीरो मनियम वीरोडो भी बोलते थे ठीक है अब उन्होंने क्या एक्ट किया था किसके अगेंस्ट थे वो नाइनटीन वो एटीन एटी टू में एक आया था मेड्रस फॉरेस्ट एक्ट ठीक है उसके अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट जो है वो किए थे ही बिकेम एक्टिव इन एंटी ब्रिटिश एक्शन इन प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश अब ये जो एक्ट है क्या करता था ये रिस्ट्रिक्ट करता था ट्राइबल कम्युनिटीज आपके आदिवासी की मूवमेंट को उनके ही आपस में जंगल जहां वो रहते हैं वहां पे उनकी जो फॉरेस्ट हैबिटेट्स है वहां पे उनकी फ्रीडम मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया गया था और उनको प्रोहिबिट किया गया था फ्रॉम प्रैक्टिसिंग पोडू शिफ्टिंग कल्टीवेशन ए ट्रेडिशनल काइंड ऑफ एग्रीकल्चर तो वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन अभी भी काफ़ी ट्राइब्स हमारी करती हैं वो बेसिकली क्या होता है एक जगह पे आपने जहाँ हार्वेस्टिंग की काफ़ी टाइम तक उस लैंड पे रहे जब वो लैंड आपके लिए यूजफुल नहीं है आप वो जगह छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हो तो ये उनका मेन सोर्स ऑफ जो था लाइवलीहुड था इसपे बैन किया और ताकि वो फॉरेस्ट जंगल में खुलेआम ना घूम पाए उनकी मूवमेंट पे रोक लगाई इस एक्ट ने तो इसी के अगेंस्ट उन्होंने काफी प्रोटेस्ट किया और काफी वो एक्टिव थे एंटाइब्रिटिश एक्शन में इनिशियली जो सीतारामा राजू थे ही वॉज इन्फ्लुएंस बाई गांधीज नॉन वायलेंस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एनकरेजिंग ट्राइबल्स टू सीक जस्टिस इन लोकल पंचायत कोर्ट्स राधा दिन कॉलोनियल ट्रिब्यूनल्स पहले वो नॉन कॉपरेशन ठीक है हमें उनसे कॉपरेट नहीं करना है लोकल पंचायत कोर्ट्स में हम जस्टिस के लिए जाएंगे 1922 में उन्होंने रंपा रेबिलियन इसको मानियम रेबिलियन भी कहते हैं वो लीड किया था ये काफी इंपॉर्टेंट है रंपा रेबिलियन आपके हिस्टोरिकल इसमें हिमॉर्डर्न हिस्ट्री में, में। राजू वॉज अरेस्टेड बाउंड टू ट्री एंड एग्जीक्यूटेड एट पब्लिक एग्जीक्यूशन नाइनटीन तो काफी बुरी तरीके से बाद में उनको मारा गया था इफेक्टिवली पुटिंग एन एं एंड टू तो द आर्म इंसरेक्शन अब रंपा रेबिलियन मैंने कहा हिस्ट्री के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में आप डिटेल में पढ़ोगे यहाँ पे हम थोड़ा देख लेते हैं क्या है रंपा रेबिलियन ऑफ 1922 एक ट्राइबल रेबिलियन था लेड बाय अलूरी सीतारामा राजू कहाँ पे मेड्रस प्रेजेंसीज गोदावरी एजेंसी ये अराउंड 28,000 ट्राइब्स जो थी रंपा में रंपा एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में 28,000 ट्राइब्स ऑर्गेनाइज हुई थी इस रेबिलियन के लिए टू रिमूव द फॉरेस्ट मेड्रस फॉरेस्ट एक्ट एटीन एटी टू ठीक है लिमिटिंग ट्राइबल ट्राइब्स फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड फॉर्बिडिंग देम फ्रॉम एंगेजिंग इन दी ट्रेडिशन पोडू फार्मिंग सिस्टम जो मैंने लिखा कि ऑर्गेनाइज uh, क्यों किया था रिमूव करने के लिए फॉरेस्ट मेड्रस फॉरेस्ट एक्ट को जो इम्प्लीमेंट किया गया था इन इन चीजों के लिए मूवमेंट के लिए और पोडू दैट इज योर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के लिए तो ये कंप्लीट होता है हमारा फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तो प्लीज डू सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक कॉमेंट आपको क्या पसंद में आता है और किस करंट अफेयर्स के किस सेक्शन पे आप या स्टैटिक के किसी पोर्शन पे यू वॉन्ट वीडियो वो भी आप कॉमेंट्स में लिखें तो उसमें एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगी अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे हमारा सेकेंड वीक ऑफ जुलाई फ्रॉम द पीआईबी वेबसाइट तो आप बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें सो नेक्स्ट टाइम आई अपलोड अ वीडियो यू गेट नोटिफाइड सो प्लीज डू सपोर्ट सो टिल द टाइम आई अपलोड नेक्स्ट वीडियो बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे